वेलकम टू इस्लामिक एहसास YouTube चैनल। आप लोगों का इस्लामिक एहसास YouTube चैनल पर खुश आमदीद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। हम आपको तारुफ कराते हैं हमारे जामिया रहमानी खान का मुंगेर के बारे में कि आज इजलास कायम होने वाली है। आइए हम आपको ये गेट है अंदर ले चलते हैं और उसके कुछ तारुफात करा देते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते जाते हैं। आप जो देख रहे हैं ये पार्क है और यहाँ पर बच्चे लोग बसा औकात कपड़े भी सूखने के लिए देते हैं। और आपको पीछे जो बिल्डिंग नज़र आ रही है ये 3 मंजिले की इमारत है और यहाँ पर हमारे बच्चे रहते सहते हैं और बेहतरीन नज़्म है, रूम है यहाँ पे, हर एक बच्चे के लिए बेहतरीन नज़्म किया गया है। और अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर हर बच्चों को खाली करके पीछे खानकाह में ले जाया गया है। ये सब कुछ इसलिए है, यहाँ तक कि हम आपको आगे बताते हैं कि हमारे इकराम बाद को भी यहाँ से मुंतकिल होकर खानकाह जाना पड़ा है। ये सब कुछ इसलिए है ताकि मेहमान की बेहतरीन तरीके से मेहमान नवाजी की जाए। आइए हम आपको रूम की तरफ ले चलते हैं, वहाँ पर कैसा नज्म है आप आगे देखते जाइएगा। देखिए आप सबसे पहले नीचे देखिए, ये पुआल है जो ठंडी के मौसम है और रात को ठंड अगर लगे तो ये उनके लिए गरम जो कुछ हो सके हम उनके लिए तैयार है खिदमत के लिए। ये पुआल दिखाए गए हैं, ये जो आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पर मेहमान, सारे मेहमान बैठे हुए हैं और यही नहीं काफी तादाद है। यहाँ तक भी हम कह सकते हैं कि इंशाअल्लाह हमारे 5 लाख पहले आते थे, अब इंशाअल्लाह हमारे अमीर शरीयत हजरत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी दामद बरकातहुम आलिया की बरकत देखते जाएंगे कि इंशाअल्लाह यहाँ पर 5 लाख नहीं इससे ज्यादा कहीं बढ़कर 7 लाख और 8 लाख तक भी आ सकते हैं। आइए हम आगे आपको बढ़ाते हैं और अपने रूम का जो जायजा लेते हैं और आपको तारुफ कराते हैं। ये हमारे मेहमान इकराम बैठे हुए हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये पुआल है और ये गर्मी ठंडी की वजह से यहाँ पर उनका नज्म किया गया है। आपको ये जश्न खत्म बुखारी ये पिछले साल का है, इस साल भी इंशाअल्लाह आखिर में खत्म बुखारी होगी और आपको दिखाया जाएगा। जी अब आप हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर आपको जी हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि प्यामगा लिखा हुआ है, यहाँ पर लोग मेहमान इकराम के लिए नज्म किया गया है। और आप देख रहे हैं यहाँ पर हदीस लिखी हुई है अन नजाफत मिन अल ईमान, ये ईमान में से नजाफत यानी सफाई सुथराई है। इसलिए आप कहीं भी यहाँ एक भी पत्ते वगैरह कुछ पड़े हुए नजर नहीं आएंगे आपको, आप कहीं भी देख सकते हैं पूरा अल्हम्दुलिल्लाह हमसे जितना हो सके हम पूरा सफाई सुथराई का ख्याल रखे हैं और जो कुछ कमी है हम उसको दूर करने के लिए तैयार है। भी ले जाएंगे कि पीछे इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है वो भी आपको हम तारुफ कराएंगे। आइए आगे चलते हैं। आप देख रहे हैं हमारे मौलाना मोहम्मद अफसर रही साहब पुरनवी जो शरीक दौरे हदीस साथी है और ये हमारे मौलाना मोहम्मद आपका नाम क्या है मुर्शिद आलम साहब कहाँ के हैं सुपौल के रहने वाले जो हमारे अखसुल खास साथी में से दौरे हदीस शरीफ के शरीक साथी है जो इंशाअल्लाह आगे चलकर मायमाली मैदान में बहुत ही बेहतरीन अंदाज में इंशाअल्लाह काम करने वाले हैं। इनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि यहाँ पर जो पानी चढ़ाना है टैंकी में, बहुत बड़ी टैंकी है, तकरीबन हम समझते हैं कि हजारों लीटर कई हजार लीटर जो है ना इसके अंदर पानी है और वहाँ नज्म है। इनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो पानी को चढ़ाए, अगर कुछ कमी किल्लत महसूस हो तो फौरन मोटर डालकर पानी चढ़ा दे, ये इनकी जिम्मेदारी है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये बेहतरीन तरीके से अपनी खिदमत को और अपनी जिम्मेदारी को पूरी कर रहे हैं, यहाँ तक
के अपने दो साथी में से एक साथी नमाज के लिए जाते हैं और एक साथी यहाँ मौजूद रहते हैं, फिर दोबारा जब वो नमाज पढ़कर आ जाते हैं फिर दूसरे साथी जाते हैं, ये हमारे खिदमत के लिए तैयार है। और यही नहीं, हमारे हर साथी तकरीबन हम 68 बच्चे हैं अपने क्लास दौरे हदीस में इस साल 2021 में, और अल्हम्दुलिल्लाह हर बच्चे पूरे अपने तैयारी के साथ पूरे मुस्तैद होकर पूरी खिदमत मेहमान के लिए, मेहमान नवाजी और मेजबानी करने के लिए हम तैयार है। अगर कुछ किल्लत महसूस हो तो हम उसके लिए अपनी जान फिदा करने के लिए तैयार है। क्यों? ये सब इसलिए कि हमको ऊपर से हजरत मौलाना अमीर शरीयत हजरत मौलाना अहमद वली साहब फैसल रहमानी दामत बरकातहुमा आलिया के हुक्म से हम उनके हुक्म को मानते हैं, और उन्हीं के हुक्म है कि यहाँ पर मेहमान को किसी तरह की भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इसलिए हम पूरी जज्बे के साथ, पूरे सलामती के साथ और अपने पूरे बदन की खिदमत के साथ भी हम तैयार हैं पूरी तरीके से। आइए अब आपको कुछ जी, अब आप ये देख रहे हैं कि ये जामिया रहमानी के तीसरी मंजिल के बाद हम पीछे आ चुके हैं, और यहाँ पर जो आपको नजर आ रहा है ये सारे कपड़े हैं बच्चों के और मेहमान के, जिनको अगर नहाने वगैरह की जरूरत हो नहाने के बाद वो यहाँ पर कपड़े सूखने के लिए डालते हैं, उनके लिए ये नज्म किया गया है। और पहले से हम सब तलबा के लिए ये सब रस्सी बांधी गई है ताकि हम लोग कपड़ा सुखा सके। और इसी तरह ये आप बिल्कुल पार्क की तरह देख सकते हैं कि बेहतरीन घास के साथ ये नज्म है कि कभी हमको अगर मौका लगे तो सुबह में हम बिल्कुल चप्पल खोल कर यहाँ पर चल सके ताकि हमारी जिस्मानी फवायद भी हो। और इससे आगे हम तारुफ का तो ये इनके लिए अल्फाज नहीं है कि हम इसकी तारुफ करा सके, और बहुत सारे अल्फाज है मेरे पास तारुफ कराने के लिए कोई अल्फाज मौजूद। अब हम आपको ले चलते हैं ये गेट की तरफ, जो बैकग्राउंड से पीछे की जानिब से हम आ रहे हैं, और आपको अब गेट की तरफ ले चलते हैं। इसके बाद आपको जो पीछे बैकग्राउंड ये मंजिल नजर आ रही है, ये दारुल हिकमत है, 5 मंजिला तामीर है जिसमें लोग इंग्लिश पढ़ाई करते हैं और अरबी भी पढ़ाई जाती है उनको। अब मेरा नाम मोहम्मद इरफान रहमानी, इस साल मैं मुतालिम दौरे हदीस जामिया रहमानी हूँ। मैं बाका का रहने वाला हूँ और गांव का नाम बेगपुर है जी। अब आपका काम इतना रह गया है कि आप देखिए ही नहीं बल्कि इस्लाम की नशर इशात भी ज़रूरी है, अगर आप साथ नहीं देंगे तो हम किस तरह आगे बढ़ेंगे। ये अब आपका काम रह गया है कि आप इस वीडियो को ज़रूर पूरी दुनिया तक फैला दीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। माशाअल्लाह माशाअल्लाह।